सो हेलो गाइस, तो आज हम आए अपने गांव के कलश यात्रा में, जो कि रामगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर टूटी झरना में है। तो टूटी झरना मंदिर पास हम पहुंच गए थे सुबह सुबह, सब अंकल लोग हमारे जा रहे थे उस मंदिर में, तो हम भी पीछे पीछे चल दिए अपने ब्लॉग बनाते हुए। तो मंदिर में जाते हुए थ्रू वीडियो में बहुत दिक्कत हो रही होंगी, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। कुछ दोस्त भी दिखे जो खुश थे बहुत इस कलश यात्रा से। हमारे गांव में नए मंदिर बनी है, तो उसी की कलश यात्रा थी, तो हम सीधे जाते रहे वहीं से। हमारे दोस्त लोग भी आए हुए थे साथ में, हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए थे, सीढ़ी से उतर रहे थे, सब अंकल लोग हम ही देख रहे थे, तो कुछ लोग फ़ोटो भी क्लिक करवा रहे थे अपने मंदिर के साथ। तो नंदी भगवान को देख के प्रणाम कीजिए और कमेंट में नंदी भगवान जरूर लिखिएगा। तो चलिए मंदिर के अंदर घुसते हैं। मंदिर के अंदर बहुत ही भीड़ थी, कैसे करके हम अंदर भी घुसे, और दादी माँ लोग बहुत ही ज़बरदस्ती ठेला ठेली के कारण भगवान शिव का हम फोटो भी खींच पाए। और चलिए अब मंदिर से हम बाहर निकलते हैं। कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा या फिर जय भोले लिख दीजिएगा। कारण देखते हैं कि तालाब पर बहुत ही लेडीज लोग बैठी हुई थी अपने कलश को लेकर, और थोड़ी देर में ही कलश यात्रा शुरू होने वाली थी। तो मंदिर में बाबा समाधि की भी एक प्रतिमा थी, और हमारे इस शिव मंदिर चमत्कार चीज़ है, जो कि चलिए आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत प्राचीन तरीके से एक चापानल से पानी गिरते रहती है हमेशा, इसमें कभी ख़त्म नहीं होती है, तो उसे भी हमने प्रणाम किए। और चलिए दिखाते हैं आपको चापानल कैसे इसमें से पानी गिरते रहता है। देखिए इसमें से अपने आप अनलिमिटेड पानी गिरते रहता है। चलिए अब कलश यात्रा में हम लोग निकल चुके हैं, तो डीजे के साथ सब लोग झूमते हुए एकदम श्री राम का गाना सुनते हुए, सब बच्चे लोग अपने हाथ में झंडा लिए हुए एकदम नाचते हुए निकल गए हैं। तो हम लोग अब रोड पर आ चुके हैं और हम निकल ही चुके हैं, और सब लोग के साथ में कलश यात्रा में बहुत अच्छे तरीके से, कलश यात्रा में भीड़ थी, लेडीज लोग सब कलश लिए हुए बहुत दूर तक एकदम, और बहुत लेडीज थी, 500 से 600 लेडीज थी। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन।